स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक नॉलेज फॉर सिविल इंजीनियर्स पार्ट 7। ये हमारा पार्ट 7 होने वाला है। यदि आपने हमारे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कीजिए, क्योंकि सिविल इंजीनियर के लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लॉकडाउन के बाद यदि आप जॉब लेने जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज देख के आपको रखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज का जो हम बात करने वाले हैं मेन, वो है सबसे पहले हम स्टेयर केस की बात करेंगे कि स्टेयर केस में रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग में हमें जो विड्थ हाइट वगैरह जो देनी पड़ती है वो हम किस तरीके से दे सकते हैं। थंब रूल की बात करेंगे, IS कोड के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। ठीक है, जो आपकी जिसमें आप घर रहते हैं उस बिल्डिंग की हम बात करने वाले हैं, तो उसमें जो राइजर होता है, थ्रेड होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो राइज और थ्रेड होता है उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे ये आपकी क्या होती है, स्टेयर होती है। ठीक है, ये स्टेयर है, तो इसका ये जो वर्टिकल वाला पार्ट होता है, वर्टिकल पार्ट हमारा हमेशा राइजर कहलाता है। ठीक है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है जिस पर आप पैर रखते हैं वो होता है आपका थ्रेड। ठीक है, थ्रेड होता है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, वर्टिकल पार्ट राइजर, हॉरिजॉन्टल पार्ट थ्रेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका राइजर होता है वो उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 150 mm से 220 mm तक। आपको राइजर हमेशा इनके बीच में ही रखना है। ठीक है, थ्रेड होता है आपका 230 mm से 300 mm तक। ठीक है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। आपको जो भी वैल्यू रखना है आपकी स्टेयर केस की, बिल्डिंग के केस में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस में, तो आपको इन्हीं के बीच में रखना होगा। ठीक है, अब आती है विड्थ ऑफ स्टेयर। अब देखिए, विड्थ ऑफ स्टेयर का मतलब ये है कि आपकी जो एक स्टेयर है, यदि आप ऊपर जा रहे हैं और सामने से व्यक्ति नीचे आ रहा है तो आसानी से दोनों पास आउट वहां से हो जाए। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए विड्थ ऑफ स्टेयर रखते हैं, तो वो कितनी होती है, 900 mm से 1500 mm तक होती है। इसका मिनिमम क्राइटेरिया आपको 900 mm तक देना ही देना है। ठीक है, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द अवेलेबल स्पेस। ठीक है, तो मिनिमम आपको 900 mm देना है। तो ये था हमारा बिल्डिंग के केस में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस में। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा थंब रूल की बात करते हैं। देखिए, जो थंब रूल ये बोलता है कि जैसे जो कंस्ट्रक्शन पे वर्क करते हैं, एक्सपीरियंस बोलता है ऐसा कि सबमिशन ऑफ राइजर एंड थ्रेड लाइज बिटवीन 400 mm टू 450 mm। जो आपका राइजर और थ्रेड है, इन दोनों का यदि आप सबमिशन करेंगे, इन दोनों को आप प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो उनकी जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए 400 mm से लेकर 450 mm तक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि हम राइजर थ्रेड दे रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस इतनी होना चाहिए, मतलब उनका सबमिशन इतना होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यदि नंबर ऑफ राइजर निकालना है तो हमेशा थ्रेड प्लस वन कर दीजिए आप, तो आपकी नंबर ऑफ राइजर निकल जाएंगे। लास्ट में मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी बताने वाला हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि राइजर और थ्रेड किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये आपका थंब रूल, इसको आप याद रखिए। नाउ अब हम बात करते हैं पब्लिक बिल्डिंग की। देखिए, पब्लिक बिल्डिंग में आपका क्या होता है, राइजर होता है आपका 120 mm से 200 mm तक, थ्रेड होता है आपका 250 mm से 330 mm तक, और जो आपकी विड्थ तो होती है स्टेयर की वो होती है आपकी 1500 mm से 2500 mm तक। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा दी हुई है पब्लिक बिल्डिंग के केस में विड्थ ऑफ स्टेयर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिक हो सकती है, पीपल हो सकते हैं, तो उनको पास आउट होने के लिए ज़्यादा विड्थ चाहिए रहती है, इसलिए हमें यहाँ पर विड्थ ज़्यादा प्रोवाइड की है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ हम बात करते हैं कि जो आपकी बलस्ट्रेड या पैरापेट वॉल होती है, मतलब जो आपकी रेलिंग होती है स्टेयर में, उसकी हाइट और थिकनेस क्या होती है। तो देखिए, जो हाइट होती है उसकी वो 8.6 mm से 1000 mm तक आप ले सकते हैं। ये आपकी मिनिमम है, ये आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, थिकनेस आपको लेना है 70 mm से 120 mm, क्योंकि ज़्यादा मोटा आपका वॉल नहीं होता है जो आपकी रेलिंग होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ बता देते हैं कि आपकी ये जो स्टेयर है, इसके नीचे जो आप एक स्लैब ऐसा बनाते हैं, इस स्लैब को हम बोलते हैं वेस्ट स्लैब। ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, इससे जो एंगल बनता है वो थीटा होता है। ठीक है, इसकी ये लेंथ होती है,
और इसकी ये होती है आपकी हाइट होती है, और ये आपकी एक्चुअल लेंथ कहलाती है जिस तरीके से आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें आज समझ में आई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि ये जो आपका एंगल होता है हॉरिजॉन्टल, कि आपकी जिस पे आपकी स्टेयर रखी जाएगी उसका जो मिनिमम एंगल होता है वो 25 डिग्री होता है, और मैक्सिमम आप उसको 40 डिग्री दे सकते हैं। आप इसको बीच पे ले सकते हैं, 30 से 35 mm, 30 से 35 डिग्री तक आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसी चीज़ के अराउंड वर्क करेंगे तो आपको चढ़ने में और उतरने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए ये जो एंगल आपको दिया हुआ है IS कोड के अकॉर्डिंग, ये एक्चुअल डाटा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपना वर्क कीजिए। ठीक है, आपको यही चेक करना है। नाउ अब आपकी ये जो वेस्ट स्लैब है जिस पे हमारा ये स्टेयर रखाती है, इस वेस्ट स्लैब की जो थिकनेस होती है वो होती है आपकी, वो होती है आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी आपकी 15 सेंटीमीटर, मिनिमम क्राइटेरिया हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है। नाउ अब जो आप इस पे कवर प्रोवाइड करेंगे, उस वो कवर होता है आपका 15 mm का। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा स्टेयर केस के बारे में, कि स्टेयर केस में रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग में हमें डाई स्टेयर क्या देना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी जो बिल्डिंग है आपकी है, मान लीजिए 3 मीटर की उसकी हाइट होती है जैसे हमें पता है। ठीक है, और आपको एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर आपको स्टेयर प्रोवाइड करना है, मतलब एक फ्लोर पर ये और एक फ्लोर पर ये, तो आपकी कितनी फ्लोर हो जाएंगे, दो, उसमें दो फ्लाइट आपको प्रोवाइड करना है। तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे कि यदि आपने राइजर 150 mm प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो यदि आपको थ्रेड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस हाइट से ये हो जाएगा आपका 3000 mm और ये हो जाएगा आपका 150 mm, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2। ठीक है, 2 क्या होगा आपका, राइजर हो जाएगा। ठीक है, यदि नंबर आप राइजर की हम बात करेंगे, और राइजर निकालने के लिए हमें थ्रेड निकालना है, तो राइजर इक्वल टू क्या होता है आपका, थ्रेड +1। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास राइज की वैल्यू है तो 2 1 इक्वल टू t, तो यहाँ पे आ जाएगी थ्रेड की वैल्यू 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपके वन फ्लाइट के केस में, बट आपको हमने बताया कि दो फ्लाइट है, एक इधर से है फर्स्ट फ्लोर के लिए और एक सेकंड फ्लोर के लिए, तो थ्रेड यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे, तो टी प्लस यहाँ पर 2 होगा, या आप लास्ट में जाकर इसको प्लस करके 1 कर दीजिए तो 2 थ्रेड हो जाएगा। यदि 3 फ्लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, टी +1 है आपका सिर्फ और सिर्फ 1 फ्लाइट के लिए, टी +2 हो जाएगा आपका आई के लिए 2 फ्लाइट्स के लिए, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी थ्रेड +1 होता है आपका 1 फ्लाइट के लिए, यदि मैं थ्रेड +2 कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 फ्लाइट के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था नॉर्मली हमारा स्टेयर केस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप इससे आपको पूरा चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से स्टेयर केस में हमें वर्क करना है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं अलग पार्ट के लिए। देखिए नेक्स्ट है हमारा कि जो डोवेल वार होती है आपकी। अब डोवेल वार क्या होती है, आपका जो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपकी स्लेब होती है, ठीक है, इस टाइप से आपकी स्लेब होती है, और इसमें से आपको ये चीज़ जो रिइंफोर्समेंट होते हैं वो निकले हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, ताकि यहाँ से एक स्लेब यदि आपका जुड़ता है, ठीक है, तो इनकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या फिर जो हॉरिजॉन्टल बॉन्डिंग है वो इसको डिस्टर्ब नहीं करें, रेस्ट्रिक्ट नहीं करें, और इजीली इसमें क्या दो स्लेब के बीच में अच्छे से बॉन्ड हो जाए। ठीक है, तो उसमें जो डोवेल बार की कंडीशन होती है वो 12 mm डायमीटर आपको यूज़ करना है। ठीक है, डायमीटर का आपको यूज़ करना है, मिनिमम क्राइटेरिया आपका डोवेल बार के लिए 12 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैपिंग नॉट अलाउड 36 mm डायमीटर अबाउ, इट मीन्स यदि आपको दो रिइन्फोर्समेंट की लैपिंग करना है, कैसे, एक लेंथ ये है आपकी और दूसरा जो सरिया आएगा वो इस तरीके से आएगा आपको, अब आपको इन दोनों की क्या करना है, लैपिंग करना है। तो लैपिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं कि जो 36 mm का डायमीटर है या इससे ज़्यादा का आप डायमीटर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लैपिंग नहीं देना है। ठीक है, आपको 36 डायमीटर से नीचे का ही आपको लैपिंग प्रोवाइड करना है। क्यों, क्योंकि यदि आप प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है कि उसमें बकलिंग आ जाए या वो फेल हो सकता है, तो आपको दूसरी चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो लैपिंग का क्राइटेरिया है 36 mm का डायमीटर से ऊपर का आप लैपिंग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं सीमेंट के बारे में।
कि सीमेंट को थोड़ा सा हम क्राइटेरिया क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सीमेंट के लिए आपको वर्क करना है, तो देखिए आपको जैसे पता है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, 50 kg, 50 किलो का आप एक बैग आपको मार्केट में मिलता है। यदि मार्केट में आप 1 बोरी सीमेंट लेने जाएंगे तो वो 50 किलो की होगी, 100%। ठीक है, एक बैग ऑफ सीमेंट कितने लीटर के बराबर होता है, 34.7 लीटर के बराबर आपकी एक बैग की क्वांटिटी होती है, यदि हम लीटर के केस में बात करें तो। नेक्स्ट है हमारा 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 बैग सीमेंट में कितनी क्यूबिक सीमेंट आती है, तो आती है 0.0347 क्यूबिक मीटर, इसको आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट है हमारा 1 क्यूबिक फीट में कितनी सीमेंट होगी, तो 40 किलो होगी। 1 क्यूबिक मीटर में कितनी किलो होगी, तो 28.8 kg आपकी सीमेंट आएगी। ठीक है, एक ये जनरल क्राइटेरिया है, इतनी यूज होती है और इस चीज को आपको याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट होती है 3.15। ग्रेड ऑफ सीमेंट, जैसे आपको पता है कि मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है कि जो आपकी सीमेंट की ग्रेड होती है वो होती है 33, 43 एंड 53। ठीक है, और ये जो आपके नंबर्स प्रोवाइड होते हैं उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है स्टूडेंट, तो 33, 43 और 53 ग्रेड में कौन सी अच्छी सीमेंट होती है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, यदि आपने उसे चेक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाकर चेक कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बट थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि 33 ग्रेड होती है उसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है या डिजाइन स्ट्रेंथ होती है वो होती है 330 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 43 के लिए होती है 430 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और 53 ग्रेड के लिए होती है 530 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो आपको क्राइटेरिया प्रोवाइड किया गया है ये आपको IS कोड के थ्रू दिया हुआ है, ये डिजाइन स्ट्रेंथ आपकी होती है सीमेंट के लिए। ठीक है, मिनिमम है आपकी। अब आते हैं, अब यदि आप ब्रिक वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क में आपको दो चीज़ें करना पड़ती है, या प्लास्टर करना पड़ता है और एक पॉइंटिंग वर्क करना पड़ता है। प्लास्टर आपको नॉर्मली पता है, तो जो प्लास्टर होता है वो होता है 1:3 से 1:4 तक, इट मीन्स आपको 1 पार्ट आपका सीमेंट होगा और 3 पार्ट आपका सेंड होगा, क्योंकि प्लास्टर सीमेंट और सेंड का ही मिक्सचर होता है जिसको आप मोर्टार बोलते हैं। ठीक है, तो आपको प्लास्टर वर्क करते समय ये चीज़ ध्यान रखना है, हर जगह आपको यही चीज़ यूज करना है। नाउ पॉइंटिंग क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की है, पॉइंटिंग इज द फिनिशिंग ऑफ मोर्टार ज्वाइंट, जो आपका मोर्टार ज्वाइंट होता है ब्रिक वर्क में, जो आपको ज्वाइंट्स मिलते हैं उन सबको फिल करने के लिए, ब्रिक ज्वाइंट्स इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन, जो आपको मोर्टार ज्वाइंट्स होते हैं उनको फिनिशिंग करने के लिए पॉइंटिंग वर्क किया जाता है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स का इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पॉइंटिंग वर्क करना पड़ता है। ब्रिक वर्क में आपको पॉइंट वर्क करना पड़ता है, मेसोनरी वर्क में आपको पॉइंट वर्क करना पड़ता है। तो उसके देखिए प्लास्टर थोड़ा सा बड़ा वर्क होता है, पॉइंटिंग छोटा वर्क होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1:1 लिया है, 1 पार्ट सीमेंट 1 पार्ट सेंड से 1:1:2, 1 पार्ट सीमेंट और 2 पार्ट आपका सेंड हो जाएगा। तो ये वाला क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हर जगह यूज होता ही होता है। ठीक है, नाउ अब जो आप आपके जो बिल्डिंग होती है उसमें जो पार्टीशन वॉल आप प्रोवाइड करते हैं उसमें प्लास्टर करने के लिए आपको 1:3 का मोर्टार यूज़ करना पड़ेगा, अगेन 1 पार्ट सीमेंट 3 पार्ट सेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें देखी, स्टेयर केस के बारे में हमने देखा, सीमेंट के बारे में हमने देखा। ठीक है, साथ ही साथ हमने प्लास्टर पॉइंटिंग वर्क के साथ साथ हमने डोवेल वार और लैपिंग को भी कंसिडर यहाँ पर किया, तो आई होप आपको पूरी चीज़ यहाँ पर समझ में आई। ठीक है, आपको इससे बेनिफिट मिला है तो आप इसे लाइक कीजिए, कुछ भी क्वेरी है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ठीक है स्टूडेंट, आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं बताएंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आई है क्या चीज़ नहीं आई है। ठीक है स्टूडेंट, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगी और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।